आइए दोस्तों, तो अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम जो है जॉन मिल्टन का जो एपिक पोएट्री है उस पर हम बात करेंगे। एपिक क्या होता है, इसके प्रकार क्या हैं, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट किस कैटेगरी में आता है, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब चीज़ों को आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं आपको नोटिफाई कराने जा रहा हूँ। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ये जो TGT का एग्ज़ाम है, इसको आप क्वालिफाई कर लें, जॉब लें, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके तुरंत बाद में आपको बता दूँ, LT ग्रेड की वैकेंसीज़ आ रही हैं। क्लियर न्यूज़ है, आपको अन्य चैनल से बाद में पता लगेगा, कुछ लोगों ने अभी हवा में बातें की हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, अच्छी वैकेंसी LT ग्रेड की आ रही है और जिसकी तैयारी हम प्रॉपर वे में एक बैच लगा करके शुरू से कराएंगे, क्योंकि आपको मालूम है उसमें लगभग 60 राइटर्स हैं, तो उनको पढ़ना, उनकी स्टडी करना थोड़ा टफ रहेगा। तो स्टार्टिंग से आप हमारे साथ, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको प्रॉपर वे में टॉपिक वाइज जो है पूरा LT ग्रेड का जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, वो आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी जॉब है LT ग्रेड की जॉब, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बढ़िया, तो उसमें आप ट्राई कीजिएगा। तो और ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको दोस्तों, तैयार रहिएगा, और लगातार तैयारी करने से आपके अंदर नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी और निश्चित रूप से आप सफलता को पा लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एपिक की। देखिए, एपिक नॉर्मली आपको मालूम है कि एपिक एक ग्रंथ होता है। अब इंग्लिश लिटरेचर में आपसे कहा जाएगा कि अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन एलिवेटेड स्टाइल रिकाउंटिंग द डीड्स ऑफ अ लीजेंडरी और हिस्टोरिकल हीरो। देखिए, मैं अपने शब्दों में आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। एपिक क्या है दोस्तों? एक ग्रंथ है जिसमें किसी एक लीजेंड को उसकी जो हेरोइक डीड्स हैं उनको बहुत ही अच्छे, यूँ कहिए कि बहुत ही एलिवेटेड स्टाइल के साथ, बहुत ही अच्छी सिमलीज का प्रयोग करके लॉन्ग नैरेटिव पोएम के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार की जो रचना है दोस्तों, वो जनरली ब्लैंक वर्ड्स में होती है, और ये ब्लैंक वर्ड्स का कॉन्सेप्ट इंग्लिश एपिक से शुरू हुआ है दोस्तों। ये एक लॉन्ग पोएम है नैरेट करते हुए, और इसमें किसी भी हेरोइक या हीरो की जो लेजेंडरी है दोस्तों, या हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं उसकी लाइफ के, उनको बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं दोस्तों, सुपर नेचुरल एलिमेंट प्योरिटी के साथ मिलता है, डुप्लीकेसी के साथ नहीं। जो भी वर्क है उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रेविटी के साथ लिखा जाने वाला ये एक साहित्य की रचना है। बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी इसमें आपको देखने को मिलेगी, मोकरी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल भी हंसी मजाक का कोई इवेंट आपको नज़र नहीं आएगा, हर व्यक्ति अपने आप में एक गंभीर एक स्पीच जो है उसमें देता हुआ नज़र आएगा। तो आगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। एन एपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम, आपको इतना ध्यान रखना है, एन एपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट द डीड्स ऑफ अ हिस्टोरिकल हीरो दैट इज एलिवेटेड एंड डिग्निफाइड इन थीम। इसका जो थीम होता है दोस्तों, वो डिग्निफाइड होता है टोन एंड स्टाइल, और जो इसका स्टाइल है, टोन है, बहुत ही उम्दा किस्म की। एज ए लिटरेरी डिवाइस एन एपिक सेलिब्रेट्स हेरोइक डीड्स एंड हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि एक जो हीरो है, कोई हिस्टोरिकल हीरो है, उसकी ये कहानी होती है, उसके इवेंट्स इसमें होते हैं, बहुत सारे करेक्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एन एपिक यूजुअली फोकसेस ऑन द एडवेंचर्स ऑफ अ हीरो हु हैज क्वालिटीज दैट आर सुपर ह्यूमन और डिवाइन। देखिए, कई बार इसका जो हीरो होता है उसके अंदर सुपर ह्यूमन वाली क्वालिटीज होती, कई बार क्या ऐसा हमेशा ही होता है।
एंड ऑन हुज वेरी फेट ऑफन डिपेंड्स द डेस्टनी ऑफ ट्राइब, और जिसके भाग्य पर पूरी की जो ट्राइब है उसकी जो डेस्टनी है, भाग्य है, और जो कि एक राज्य है उसका भाग्य उस पर आधारित होता है। समटाइम्स द होल ऑफ द ह्यूमन रेस, और कई बार संपूर्ण प्रजाति या जाति। द इलियड, द ओडिसी एंड द एनिड आर कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड लिटरेचर। अगर आप एपिक की बात करें तो आपको इलियड, ओडिसी और एनिड आदि नाम जरूर सुनने को मिलेंगे। तो ये चीज़ थी दोस्तों, ये है एपिक। एपिक क्या होता है? अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम एलिवेटेड इन स्टाइल, हैविंग अ ग्रेट ग्रेविटी एंड रिलेटेड टू द डीड्स, टू द एक्शंस, टू द लेजेंडरी ऑफ अ हिस्टोरिकल हीरो और इवेंट्स। अब आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक। देखिए, दो द एपिक इज नॉट अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड लिटरेरी डिवाइस टुडे, इट्स लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पोएट्री इज अनमिस्टेकेबल। ट्रेडिशनली एपिक पोएट्री शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पाई जाती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले बात करें दोस्तों, रिटन फॉर्मल एलिवेटेड डिग्निफाइड स्टाइल। इसका जो राइटिंग स्टाइल है, जैसे आप मिल्टन का पढ़ेंगे तो आप ग्रैंड स्टाइल आपको उसको कहेंगे, हाँ। तो इसका जो स्टाइल है, राइटिंग जो है, वो बहुत ही गंभीर, बहुत ही उच्च कोटि की होती है। थर्ड पर्सन नरेशन, इसमें जो नरेशन होता है वो थर्ड पर्सन के द्वारा, थर्ड पर्सन नैरेटिव में पूरी कहानी चलती है। बिगिंस विद द इन्वोकेशन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस प्रकार की जो पोएट्री है, एपिक पोएट्री है, इसकी जो स्टार्टिंग है दोस्तों वो इन्वोकेशन से होती है, यानी किसी देवी देवता की जो पूजा अर्चना है उससे इनको स्टार्ट किया जाता है। जैसे आप जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे तो उसमें उसने जो है गॉडेस को, पोएट्री की जो गॉडेस है उनको एड्रेस किया है, या यूं कहिए कि म्यूज को एड्रेस किया है। आगे बात करें दोस्तों, इंक्लूड्स अ जर्नी दैट क्रॉसेस अ वैरायटी ऑफ लार्ज सेटिंग एंड टेरेन्स। देखिए, ये इसके अंदर क्या है, कई बार एक जर्नी, एक यात्रा की बात होती है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक जर्नी भी है, लाइफ इवेंट्स भी इसमें हैं, और डिग्निफाइड भी है स्टाइल में, ग्रेविटी फुल है, उच्च कोटि की भाषा शैली है, और इसकी जो स्टार्टिंग है वो इन्वोकेशन से, देवी देवता के आवाहन से होती है। टेक्स प्लेस अक्रॉस लेंथी टाइम स्पांस एंड और इन अ इरा बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिविंग मेमोरी। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा इसमें विस्तार, विस्तृत एक पूरा नरेशन होता है, और आपको बता दूं अभी जब हम काइंड पढ़ेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स और आपको समझ में आएंगी। फीचर्स अ सेंट्रल हीरो, ये एक इसका मध्य में एक कैरेक्टर होगा, एक सेंट्रल हीरो होगा, हु इज इनक्रेडिबली ब्रेव एंड रेसिड्यूट, जो अपने आप में एक लीजेंड है, और इंक्लूड्स ऑब्स्टिकल्स, और इसमें परेशानियों को, हिंड्रेंस को, बाधाओं को दिखाया जाएगा, सर्कमस्टांसिस, परिस्थितियों को दिखाया जाएगा, दैट आर सुपर नेचुरल और अदरवर्ल्डली सो एज टू क्रिएट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ओड्स अगेंस्ट द हीरो। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एपिक पोएट्री में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अभी हम आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और उनको समझेंगे भी। रिफ्लेक्ट्स कंसर्न एज द फ्यूचर ऑफ द सिविलाइजेशन और कल्चर। देखिए, हमने आपको बताया पूरी सभ्यता का विकास, डेवलपमेंट इस पर निर्भर होता है। इसमें दिखाया जाता है एक हीरो जो है उसका अकेले की जो लाइफ है वो बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एलिवेटेड स्टाइल, डिग्निफाइड सब्लिमिटी इसमें देखने को मिलेगी, इन्वोकेशन ऑफ अ गॉड और गॉडेस मिलेगा, इसमें बहुत सारे इवेंट्स को जोड़ा जाता है, ये एक जर्नी भी हो सकती है, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, इसमें मध्य में एक सेंट्रल हीरो होगा जो पूरी एक ट्राइब को प्रभावित करता है, जिसके अंदर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होंगी या क्वालिटीज़ होंगी। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट एपिक की, कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एपिक हैं जिनको हम माइलस्टोन के रूप में जानते हैं, या जिनको हम स्टार्टिंग
एपिक के रूप में जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है द इलियाड एंड द ओडिसी। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो इलियाड और ओडिसी को सबसे पहले एपिक के रूप में जाना जाता है। एट्रीब्यूटेड टू होमर, ये होमर के द्वारा है दोस्तों। दीज पोएम्स डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ अ ट्रोजन वार एंड किंग ओडिसियस। देखिए ये जो है एक राजा का जो रिटर्न है ट्रोजन वार से, जो जर्नी है उस पर ये आधारित हैं दोस्तों। और इनको ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए मैंने कहा था ये जर्नी को बताते हैं, एक लीजेंड हीरो की लीजेंडरी को ये दर्शाते हैं। तो दो फेमस जो एपिक हैं वो है इलियाड एंड ओडिसी बाय होमर। और फिर आता है दोस्तों हमारा महाभारत, ये भी एपिक पोइट्री है, एपिक है पूरा। इसके बाद आपको एनिड मिलेगा वर्जिल का, वर्जिल के द्वारा लिखा गया, रोमन पोएट हैं। और आगे आपको एक बियोवुल्फ का नाम आपने सुना होगा, इस पर मूवी भी है हॉलीवुड में, बियोवुल्फ आप डालेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये भी ये मतलब बिना नाम का एक वर्क है जिसका नाम राइटर का नहीं मिलता है। तो बहुत ही फेमस वर्क है बियोवुल्फ, इस पर मूवी बनी हुई है। और इसमें भी दोस्तों एक हीरो, एक कैरेक्टर की जो लीजेंडरी है उसको इसमें दर्शाया गया है। ऐसे ही दोस्तों डिवाइन कॉमेडी है, दांते का आपने नाम सुना होगा डिवाइन कॉमेडी, ये भी एक ग्रेट एपिक है। फेरी क्वीन स्पेंसर का बहुत ही फेमस है, लिटरेचर में अक्सर आप इसका नाम सुनते हैं। और इसके बाद जो सबसे उच्च कोटि का, उच्च श्रेणी का एपिक रच दिया है जॉन मिल्टन ने, उसकी हम बात करेंगे। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों ये हैं किसके, एपिक पोएट्री के एग्जांपल्स। अब इसमें कैटेगरीज आप देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट का बता दूँ, जॉन मिल्टन का ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पब्लिश 1667, इट्स अ सब्जेक्ट इज द एक्सप्लोजन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन एज वेल एज द फॉलन एंजल्स एंजल सैटन। तो ये कहानी है पूरी एडम ईव और सैटन की, पैराडाइज लॉस्ट 67 में ये पब्लिश हुआ है, आपको मालूम है ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों काइंड्स ऑफ एपिक की, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई आपको नहीं बताता कि एपिक के प्रकार भी होते हैं और एपिक में कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊँगा, एपिक के जनरली केवल दो ही इम्पॉर्टेंट प्रकार हैं, एक जिसको आप प्राइमरी एपिक या फॉक एपिक आप बोलते हैं, दूसरा आपका सेकेंडरी एपिक होता है जिसको आप लिटरेरी एपिक भी बोलते हैं, और जो थर्ड काइंड है दोस्तों वो ओरिजिनेट कर दिया गया है तो उसको हम मोक एपिक के रूप में जानते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा दे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी एपिक जिसको हम फॉक एपिक भी कहते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी एपिक जिसको लिटरेरी एपिक भी कहा गया है, और इसके बाद हम बात करेंगे मोक एपिक की। ये तीन प्रकार आपको जनरली देखने को मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट तो दो हैं, हालांकि पूछ लिया जाता है मोक एपिक क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से ये चीज़ें समझाऊंगा। देखिए प्राइमरी एपिक और फोक एपिक, जैसा कि फोक से स्पष्ट है दोस्तों, इसको ये ऐसे ही गाथा है, ऐसी पोइट्री है जिसको लिखने से ज़्यादा ओरली इसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक, और इसका पर्टिकुलर कोई ऑथर कहना इसका थोड़ा मुश्किल होता है। एक व्यक्ति ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को, और बहुत लंबे समय के बाद ये डेवलप होते होते आगे, बहुत आगे कई पीढ़ियों में ये ट्रांसफ़र होता है। तो नो सिंगल ऑथर, इसमें पर्टिकुलर कोई सिंगल ऑथर देखने को हमें जनरली नहीं मिलता है। रिटन डाउन आफ्टर सेंचुरीज, बहुत समय बाद इसको, जब इसका ट्रांसमिशन होता रहता है कई पीढ़ियों में, उसके बाद में इसको लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों बियोवुल्फ और इलियाड। आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी एपिक और फोक एपिक का एग्जांपल, तो बियोवुल्फ है, इलियाड है, ओडिसी है ना दोस्तों, ये हैं। और मैं ये डिटेल यहाँ पर मैंने मेंशन किए दोस्तों, आप इसको चाहें तो आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मेरा काम है केवल आपको टीजीटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड फैक्ट्स को आपको थोड़ा सा बताना। तो प्राइमरी एपिक क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी एपिक प्रथम इवेंट या जो घटना है उसका जो कई वर्षों तक वर्बल जो एक से दूसरे तक पहुंचा है उसकी जो रिटन फॉर्म है दोस्तों, वो चीज़ प्राइमरी एपिक या फोक एपिक कहलाती है।
एक दूसरे तक पहुंची है, ये ट्रांसफर होकर के माउथ के द्वारा लोग सिंग गा गा करके इसको दूसरे तक पहुंचाते हैं और बाद में इसको रिटन फॉर्म में कर दिया गया। अब इसके बाद आता है दोस्तों दूसरा सेकेंडरी एपिक। देखिए यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, बियोवुल्फ और इलियड। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंडरी एपिक क्या होते हैं दोस्तों। सेकेंडरी एपिक, इसी को हम लिटरेरी एपिक भी बोलते हैं। अ सिंगल गिफ्टेड पोएट, ये एक कवि के द्वारा लिखी गई पूरी एक रचना है, सच एज वर्जिल और मिल्टन, जैसे मिल्टन और वर्जिल का एनेड, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। कंपोजेस अ वर्क दैट इमिटेट्स, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इमिटेट्स, ये एक ऐसी रचना है जो किसी एक प्रारंभिक या आप कहिए कि आर्कटाइप या प्रोटोटाइप जो वर्क है उसकी एक कॉपी है, एक नकल है, और इसमें राइटर ने अपने विचारों को एक अलग प्रकार से समावेशित किया है। सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो ये प्राइमरी एपिक की नकल हो सकती है, उसकी इमिटेशन हो सकती है। इमिटेट्स अ फोक एपिक, देखिए ये फोक एपिक को इमिटेट करता है। द एनेड एंड पैराडाइज लॉस्ट फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्व्स द कंसिडरेबल रिसर्च एंड हैव द स्टाइल ऑफ अर्लियर एपिक्स, और इन दोनों में ही आपको देखने को क्या मिलेगा दोस्तों कि इनको बनाने में जो प्रारंभिक एपिक हैं उनकी जो क्वालिटीज हैं उनको इनमें डाला गया है। तो इस प्रकार से जो एपिक का निर्माण होता है, एपिक पोएट्री जो लिखी जाती है उसको हम सेकेंडरी एपिक के रूप में जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो प्राइमरी एपिक है कि सेकेंडरी एपिक है, तो दोस्तों प्राइमरी एपिक के रूप में बाइबल को जाना जाता है। बाइबल अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा विस्तृत एपिक है दोस्तों, और जो इसमें कहानी पैराडाइज लॉस्ट में मिलती है वो कहीं ना कहीं से ली गई है, और सीधे सीधे अगर कहूँ तो पूरा का पूरा बिब्लिकल है, बाइबल से उठाया गया है, बस उसको अपने तरीके से एक पोएट ने यानी जॉन मिल्टन ने रिप्रेजेंट किया है। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों सेकेंडरी एपिक क्या होता है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये थ्योरी आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे मोक एपिक की। मोक एपिक क्या होता है दोस्तों, इट इज अ पैरोडी ऑफ द मेन एपिक। यह है जो भी क्वालिटीज एक एपिक में होती हैं उन सभी को लिए रहती है, बस अंतर इतना है दोस्तों ये इसका जो रचना का कारण है वो एक सटायर है, एक व्यंग है, एक हास्यास्पद रचना है, यानी एपिक की ऐसी नकल जो हास्यास्पद हो उसी को हम मोक एपिक कहते हैं। बर्लेस्क्यू फॉर्म ऑफ अ एपिक इज कॉल्ड और इज नोन एज मोक एपिक, यानी कि किसी भी एपिक की हास्यास्पद रचना मोक एपिक कहलाती है, और मोक एपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो नाम आपने सुना हुआ है वो आपने सुना होगा, द रेप ऑफ द लॉ का। तो एज द नेम ऑफ इंडिकेट्स द मोक एपिक इज ए लिटरेरी फॉर्म दैट बर्लेस्क्यूज द क्लासिकल एपिक। देखिए ये क्या करता है, जो क्लासिकल एपिक है दोस्तों उसको उसकी मजाक के रूप में ये ओरिजिनेट हुआ है। बाय ब्रिंगिंग द फॉर्मूलाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिक, इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को आपको पूरी पूर्ण रूप से मिलेंगी जो एपिक की होती है। द इन्वोकेशन ऑफ द डेटी, इसमें भी इन्वोकेशन आपको मिलेगा ईश्वर का। द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ थीम, स्टेटमेंट यानी थीम होंगे। द डिविजन ऑफ द वर्क इंटू बुक्स और कैंटोज, और ये भी, हाँ दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो एपिक पोएट्री है जनरली जो माना गया है दोस्तों कि एपिक पोएट्री में एक से अधिक पार्ट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट में देखेंगे बहुत लंबी गाथा है, 12 पार्ट्स हैं, और भी जो एपिक हैं उनके अंदर 12, 24 ये इस तरह के। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि प्रत्येक एपिक में 12 ही पार्ट होंगे, ऐसा नहीं है, अलग अलग अब चीज़ें देखने को मिलती हैं एपिक पोएट्री में। थोड़ा सा बदलाव तो हुआ है मॉडर्न एज में, जैसे लाइट ऑफ एशिया में आप अलग देखेंगे, तो ये कैंटोज में बटा होता है, बुक्स में बटा होता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें बैटल्स हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट है, मशीनरी है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। बस ये क्या होगा दोस्तों, ट्रैवल होगा, इसका जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत ही बहुत ज़्यादा ग्रेविटी वाला सब्जेक्ट नहीं होगा, मोकरी वाला सब्जेक्ट होगा। रेप ऑफ द लॉक, द मेन इफेक्ट ऑफ दिस एम्प्लॉइंग टेक्निक्स ऑफ द एपिक इज हाउएवर नॉट सो मच टू हैव फन विद द एपिक एज टू
डिफ्लेट अ सब्जेक्ट और कैरेक्टर दैट बाय कंट्रास्ट अपीयर पर्टिकुलरली ट्राइबल। तो ये क्या है, एक पैरोडी है, गंभीर से मजाकिया रास्ते पर या मजाकिया वे में लिखा गया। तो ये तीन प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताए हैं एपिक पोएट्री के, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए एपिक की अगर हम बात करें तो इलियाड और एनिड एपिक हैं, और मोक एपिक की बात करें तो द रेप ऑफ द लॉक मोक एपिक है। हास्यास्पद रचना, हास्यास्पद एपिक जो है वही मोक एपिक कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि एपिक क्या होता है, सेकेंडरी एपिक क्या होता है, मूल रचना कई शताब्दियों के बाद लिखी गई, भाषागत जो ट्रांसमिशन था जो संगीत के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाया गया, उसको जब लिख दिया जाए तो दोस्तों वो प्राइमरी एपिक बन जाता है, या यूं कहिए कि मेन इवेंट पर आधारित जो पहला वर्क है वो प्राइमरी एपिक कहलाता है, और उसी पर आधारित दूसरा वर्क जो है वो सेकेंडरी एपिक कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों, कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें देने की। इसमें जो पंक्तियाँ मैंने लिखी हुई हैं, जो मेंशन किया है दोस्तों, उसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।